हाय दोस्तों, मैं अंकिता आज फिर अपने YouTube चैनल पर वापस आ गई हूँ। पर आज कोई कविता और कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, आज मैं रंगों से खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं होली खेलने की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कैनवास और ब्रश की। तो आइए रंगों से खेलना शुरू करते हैं। तो ये है 6x12 कैनवास, प्लेन कैनवास, और 6 नंबर का ब्रश है। तो क्या ड्रॉ कर रही हूँ, क्या कलर कर रही हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा। जस्ट आपका कैनवास जैसा आपका कंफर्टेबल हो, इफ यू हैव लाइक ए स्टैंड यू कैन पुट दिस कैनवास ऑन द स्टैंड। आई एम कंफर्टेबल बिकॉज इट्स अ 6x12, सो इट्स वेरी स्मॉल कैनवास, तो आई एम कंफर्टेबल ऑन टेबल, तो मैं टेबल पे कर रही हूँ। आपका ब्रश और फिंगर का कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए, और जैसे आपको मूवमेंट करना है अपने कलर के साथ, यू आर एबल टू डू। अभी मैंने लाइट येलो कलर लिया है, येलो प्लस व्हाइट को मिक्स करके। विथ वॉटर ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज एक्रेलिक पेंट, इट्स नॉट अ ऑयल पेंट। स्मॉल पार्ट ओनली मैंने येलो और व्हाइट का लिया है, इसके नीचे का कलर थोड़ा सा इससे ज्यादा डार्क येलो रहेगा, फिर उसके नीचे पिंक और उसके नीचे ब्लू। ये मेरा लेयर होगा बैकग्राउंड का, कैनवास बैकग्राउंड का। मैं एक बार कंप्लीट करके आपके पास फिर से वापस आती हूँ। यहाँ पे अगर आपका वाटर ज्यादा हो जाता है ना, तो बबल्स थोड़े थोड़े से आ जाते हैं, जिसको हमें कवर करना होता है विद द पेंट। तो अगर आप उस पर ब्रश 2-3 बार लेयर में आप घुमा देते हैं, तो आपका वो बबल्स हट जाता है। जस्ट हमें हमारे ब्रश के मूवमेंट और हैंड मूवमेंट दोनों पे कंसंट्रेशन बनाए रखना होता है, कि आपका बैकग्राउंड क्लियर दिखे आफ्टर ब्रशिंग। सो मैं अभी दूसरा लेयर स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट लेयर ड्राई होगा, फिर मैं दूसरा लेयर डार्क येलो का स्टार्ट करूंगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन।
तो ये रही हमारी रंगों से खेली गई हुई रंगोली कलाकारी, जो कहना कहिए होली नहीं है, ये कैनवास और ब्रश की कारीगरी है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।